चलें ये कुछ साहिल खान एन से ट्राई कर लेते हैं। हेलो हेलो, हाँ काली भाई, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ भाई, आप कैसे हो? बस बढ़िया है। बहुत दिन बाद आज सोचा कि आपसे बात की जाए। अच्छा, दो तीन डाउट्स थे, इसलिए लगाया था आपको। आप हाँ जी, ठीक वैसे कैसे हैं? आप वैसे ठाक है, आप सुनाइए क्या हाल है? बढ़िया है। अच्छा गालिब भाई, मुझे एक बात बताइए, हदीसों में ऐसा है क्या मोहम्मद साहब ने अपनी माँ को मतलब कब्र में जाकर रेप किया था, ऐसा कुछ है? यार ये ऐसी झूठ बात है, ये मुझे लगता है कि हिंदुत्वा वालों ने उड़ाई है, कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, ये झूठ है, ये झूठ है, कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं एक्चुअली कल क्या था कि आई एम फ्रॉम इंडिया, तो हमारे यहाँ तो अभी बहुत ज्यादा थोड़ा माहौल, यू नो दैट इंडिया का भी थोड़ा सा हिंदुत्व की तरफ बहुत ज्यादा हो रहा है। तो कल वो लोग क्या है कि एक्स मुस्लिम्स के बहुत सारे चैनल देखते हैं, तो वो ऐसे में एक से बहस कर रहा था, तो उसने बोला कि ऐसा है ये, तुम जाके देख लो। तो मेरे को तो यार मैं साहिल भी क्षेत्र में ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे नहीं लगता कि किसी, मतलब कि ये कोई नहीं है कहीं भी, ये ऐसे ही किसी कुनी ने उड़ाया हुआ है या किसी क्रिश्चियन ने उड़ाया हुआ है, ऐसी बात किसी कुछ हदीस में नहीं है ये चीज नहीं है। ये बिल्कुल 100% झूठ बात है। 100%, क्योंकि मैंने उसके अलावा भी दो तीन जगह से ऐसा सुना, तो मेरे को बहुत ताज्जुब यार लगा ये क्योंकि किसी ने मेरे उड़ाई है बात, मैं आपको कह रहा हूँ ना, ये बात पिछले 4-5 साल से घूम रही है, मगर किसी ने, हाँ किसी के पास कोई रेफरेंस इसका नहीं है। और मैं आप कैटेगोरिकली कह रहा हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब बकवास यानी ये झूठ है। है। हाँ तो 100% झूठा, आपको यकीन क्यों नहीं आ रहा? मैं 6 दफा रिपीट कर चुका हूँ। नहीं अच्छा, दूसरी बात ये कि क्या उन्होंने मेरे हिसाब से तो मोहम्मद साहब की कोई सगी बहन तो नहीं थी, तो वो बोला कि उन्होंने अपनी सगी बहन के साथ ही बलात्कार किया हुआ यार ये वैसे कोई हद से यार, ज्यादा मुझे पोर्न लगता है कि पॉर्न वो नहीं है। बंदा अपनी फैंटेसीज जो है ना उलगाई जा रहा है, उससे पूछ लीजिएगा, वो कुछ हाँ ज्यादा ही पॉन देख रहा है। ठीक है, हाँ नहीं एक्चुअली क्या है कि वो है, वो थोड़ा कट्टर हिंदू टाइप का है, तो मैं आपके यहाँ पे अमित तिवारी जी और दूसरे को मैंने उनका भी बोला, मैंने बोला देखो ये फालतू बातें करने के बजाय मैंने बोला उनसे बात करो, तुम्हारे धर्म में क्या क्या है वो तुम्हें बता देंगे, मेरे को मेरे धर्म में क्या है वो मुझे मालूम है, क्या गंदगी है मैं उसका कभी एक्सेप्ट नहीं करता जब हमको नॉलेज हुआ। लेकिन मैंने बोला ये जो तुम बोल रहे हो ये मेरे नॉलेज में नहीं है, और मतलब ऐसा माहौल हो गया है कि कुछ भी ऊटपटांग टाइप के जो जो चैनल्स चल रहे हैं वो अपने मन से भी ये लोग कुछ का कुछ उसमें ऐड करके वो रूमर्स फैला रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है बिल्कुल भी। ठीक है, बात आपकी ठीक है। पता नहीं किसने फैलाया, कोई टुन्नू होगा जिसने फैलाया, और ये बिल्कुल बात झूठ है, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा और एक दो चीज और थी जो मेरे को ये जानना था कि ये तो खैर वो है, ये मैं पर्सनली जानना चाह रहा हूँ कि हम जो कुरान पढ़ते हैं आज की डेट में, ठीक है ना, ये क्या 1924 में इसको कैटराइज्ड किया गया था आपके हिसाब कि पहले से यही है? हाँ, इसे क्या, ये जो करंट वर्जन है कुरान का जो हमारे पास है, ये 1924 का पैरो एडिशन है, असल में वही है जो चल रहा है। ठीक है, हाँ तो यानी इसके पहले डिफरेंस भी हो सकता है इसमें? हाँ थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, जाहिर बात है कि वो कोई 27-28 वर्जन है कुरान के, जिनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस। अच्छा यानी बहुत ज्यादा खास फर्क नहीं है और नहीं रहेगा पहले के और अभी में। देखिए, अगर क्या कहते हैं उसको, अगर खुदा की किताब में दो लफ्ज भी डिफरेंट हो जाएं तो फर्क तो हाँ पड़ ये बात गया, मैं भी करने लगा था, वो फर्क पड़ गया। ठीक है ना? वो बात हाँ जी जी, आप ये नहीं कह सकते बाद में आके उसको, उस चीज को आप, वो क्या नाम है इसका, उसको घटा के नहीं पेश कर सकते। ठीक है ना? बात मुसलमान हाँ करते हैं कि इसका हूबहू वर्ड जबर जेड जबर पेश, हर चीज अल्लाह हाँ तआला की तरफ से उतरी हुई है, लेकिन हाँ ऐसा नहीं है। ऐसी जगह कई ऐसे, आज भी दुनिया के अंदर दो कुरान जो है वो सबसे ज्यादा मशहूर है। क्या कौन कहते हैं से? उसको, एक एक वर्ष है, हाँ और दूसरा ये जो है आपका, क्या कहते हैं उसको, अपना ये जो हिफ्स, हिफ्स। हाँ ठीक है, सो ये, हाँ जी जी, ये इन दोनों में भी फर्क मौजूद है।
उसके अलावा जो हमारे पास पुराने नुस्खे निकले हैं, सबसे पुराने जिनको कदीम तरीन नुस्खे कहा जाते हैं, उनके और आज के जमीन आसमान का फर्क है, उनके अंदर कोई जेर जबर नहीं है, कोई सूरत नहीं है, हाँ जी कोई तरतीब नहीं है, कुछ नहीं मिलता, बल्कि वो कुरान तो है ही नहीं, वो तो सिर्फ मतलब के इब्तिदा की मश की गई चीजें हैं, ठीक है ना। okay. तो जी. ये कहना कि मतलब के कुरान वही वो जो थे अपना पहले नुस्खे जो थे, या वो कोई खास फर्क नहीं है, ये बाय इटसेल्फ बड़ा बहुत बड़ा मतलब के प्रॉब्लम है, पॉलिसी है। ओके मेरा एक सवाल और था कि हमारे एक जो हमारे एक भाई कह लें, उन्होंने मेरे से ये बताया कि आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत से बाहर निकाला गया, जब यहाँ है, उनको माफी तब मिली जब वो उनको चौकट में दिखा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, उन्होंने पढ़ा उसके बाद माफी मिली। तो ये सही है या गलत है? मैंने तो नहीं पढ़ा ये। देखें कुछ इस्लाम की टर्शरी किताबों में आया है, मगर इसकी कोई मतलब अब क्या इसको कहा जाए, जब सब कुछ ही गलत है तो इसको गलत सही करके हमने क्या कहा? नहीं नहीं मतलब ये हदीसों में कहीं है कि बाद में जैसे बरेलवी वालों ने अपने हिसाब से लिख दिया। मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, उन्होंने भी लिखा हो तो लिखा तो है ना, फिर अब क्या कहें इसको, ठीक है। बट चले फिर ठीक है, हम आगे चलते हैं, और भी दोस्त हैं, टाइम नहीं है, अब वक्त का मुकाबला सख्त है, ठीक है, अब चलते हैं हम, ठीक है, हाँ चले, ठीक है। मोमो आइए, मोमो वेलकम, कैसी हैं आप? थैंक यू, सब कैसे हैं? फर्स्ट क्लास मोमो, वेलकम, बहुत अच्छे मोमो, आपा आदाब, आदाब आदाब। ये जो आए थे अभी कॉलर, में बताना चाहती थी, ये कह रहे थे कि रसूलुल्लाह अपनी माँ के साथ उन्होंने कुछ किया था, ये मैं आपको बताऊं कहाँ से आ रहा है, ये अभी कुछ देर पहले नबी असली जो है उन्होंने वीडियो पोस्ट किया है। अच्छा, उसमें ये एक्यूजेशन की है कि जब हजरत अली की माँ मरी है और उनको दफना रहे थे तो वो उनके साथ लेट गए और अपनी कमीज जो थी उन पे डाल दी कि वो ताकि उनको दुख हुआ होगा। तो ये कहते हैं कि जो लाए नहीं, वो जन्नत में जाएंगी, इसी सूरत में वो जाएंगी, इसी सूरत में वो जन्नत में जा सकती हो अगर, क्योंकि वो मुसलमान नहीं बनी थी। ये असली हदीस है, ये मुझे मिल नहीं रही थी, ये हदीस आपने पढ़ी? हाँ जी, हाँ जी, मैंने भी ये बड़ी अच्छी तरीके से ये पढ़ रखी है, मुझे याद नहीं कहाँ पढ़ रखी है। हाँ, तो ये कोई कबर में उतर के जनाब क्या नाम है इसका, हाँ, वो अपना सास को लेट गए या कफन अपने सास बना लिया या समथिंग लाइक दैट, ताकि वो अपना रसूल की वजह से जन्नत में दाखिल हो सके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और इसको ये कह रहे थे कि ये लेटने का जो काम था ये हो सकता है उन्होंने जाके उनके साथ सेक्स किया, ये तो बिल्कुल ही अजीब और गरीब बात है, मुझे तो बहुत अजीब लगी। और दे वर ट्राइंग इट टू यू नो केसेस जहां मुसलमान लोगों ने ऐसी बातें हरकतें की हैं, एक मुसलमान था बर्मिंगम में, वो एक फ्यूनरल होम में घुस गया और जाके उन्होंने उसने कुछ रेप वेप किया डेड बॉडीज को, तो ये कह रहे थे कि ये भी इस्लाम से आता है, ये जो बिल्कुल गलत बात है, इस्लाम में कहीं ऐसी बात नहीं कही, तो दे आर रियली गोइंग ओवर द टॉप ऑन दैट चैनल। तो आई थिंक इधर से आ रहा है, उसके बाद मैंने देखा दूसरे चैनल्स पे भी इट्स गोइंग यू नो वायरल के यही स्टोरी बार बार लोग रिपीट कर रहे हैं, which is वो क्रिश्चियन प्रोपेगेंडा मशीन है ना वो सारी, तो वो दुनिया का हर झूठ, क्योंकि वो तो मोहम्मद को एंटी क्राइस्ट साबित करना चाहते हैं ना, ठीक है, तो वो दुनिया का हर झूठ लगाते जाएंगे ना, तो उनका ये काम है, मतलब इसीलिए मैं कहता हूँ ना, इन क्रिश्चियन अपोलोजिस्ट की इस्लाम के ऊपर तनकीद को यू हैव टू टेक इट विद अ ह्यूज पिंच ऑफ सॉल्ट, नहीं विद अ बकेट ऑफ सॉल्ट, क्योंकि ये सिर्फ ये समझते हैं कि मोहम्मद में कोई शैतान था और वो इसलिए यूं कर रहा था, ठीक है, ये इनके ये हर गलत चीज साबित करेंगे, तो यू हैव टू टेक देम वेरी वेरी केयरफुली, इनकी बात को आप ऐसे ही नहीं ले सकते, ये हर झूठ मंसूब करेंगे, तो इस बात से कुछ साबित नहीं होता जो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको कई बार मैंने पहले चैनल पे कहा है कि भाई अगर हमने हजरत मोहम्मद पे तनकीद करनी है तो हम वो करेंगे जो बनती है, हम वो नहीं करेंगे जो बेसलेस है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। और उन्होंने पहले जो उनके वीडियो होते थे उनके मोहम्मद पे तनकीद होती थी, अब इट सीम्स के ही वाज सेइंग के सारे मुसलमान इस किस्म के होते हैं, यू नो लाइक इट्स शिफ्टेड फ्रॉम क्रिटिसिज्म ऑफ रिलीजन और हिज पर्सनालिटी टू ऑल द मुस्लिम्स, तो अब
अब कुछ और बदल गई किसी और चीज में, ये मुझे लगता है कोई यू नो इट्स अ लिटिल बिट अ चेंज इन द टोन, और लोग सबको कह रहे हैं सारे मुसलमान ऐसे होते हैं, प्रेजुडिस फैला रहे हैं, तो आई थिंक वी हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दैट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन के उसका मतलब कुछ ट्विस्ट ही कर रहे हैं, और वी डोंट वांट टू लूज आवर क्रेडिबिलिटी। हां एग्जैक्टली। मौलाना जी आ गए हैं, इनसे थोड़ी देर बात कर लेते हैं। हां हेलो जी गालिब भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक, आप सुनाएं क्या हाल है आपके? और बस शुक्र है। और हाजी साहब और वो दूसरे सारी टीम मेंबर मेरे हर ठीक है। मैं काफी देर से सुन रहा हूं, ये अभी मोमो भी आई थी तो वो कह रही थी कि ये कुछ वो हदीस का एक था कि वो कब्र में लेट गए और ऐसे, ये एक प्रोपोगंडा है। मैं भी काफी दिनों से ये देख रहा हूँ, कुछ जो एंटी इस्लाम है ना, जैसे हिंदुइज्म है, ये क्रिश्चियनिटी है, ये लोग एथिस्ट का लिबादा ओढ़ के उनके नाम से चैनल बना के वो अपनी एक वो फ्रस्ट्रेशन जो है ना वो निकाल रहे हैं। यूज वो एथिस्ट को करते हैं, एथिस्ट मतलब नाम को, कि हम लोग लिबरल हैं, हम लोग एक एथिस्ट हैं। ये कुछ इंडिया में भी है, कुछ पाकिस्तान में भी है, मैं भी काफी दिनों से ये देख रहा हूँ। कुछ ऐसी बातें हैं जो जिनका वजूद ही नहीं है, वो भी उनसे मंसूब कर देते हैं। एक वो तो बात है कि हजरत मोहम्मद जो थे वो अबू तालिब की औलाद थे, वो एक झूठ ये फैलाते रहते हैं हमेशा। और दूसरा ये, हाँ जी वो तो बड़े पॉपुलर है ना। हाँ। वो कुछ लोग तो पहले तो वो ठीक रहे हैं, जैसे इंडिया में भी है वो समीर है और एक वो है, तो वो तो चले गए हैं। जैसे आपने अभी कुछ देर पहले कहा कि हिंदुत्व के कंट्रोल में चले गए हैं, और जाहिर है वो भी एक उसमें कन्वर्टेड है समझ लो। कुछ पाकिस्तान में भी है, जैसे वो इस्लामिक इंजीनियर है, वो समथिंग कैसे, अगर आप उनकी बातें गौर से सुनेंगे ना, मैंने भी बहुत दफा सुनी है और देख सुनता भी रहता हूँ। वो लोग असल में बेसिकली अंदर से एक रिलीजियन है, मतलब वो माइंड सेट है, एक मजहबी तौर कह लें कि उनका एक माइंड है, लेकिन वो क्योंकि खुल के सामने नहीं आ सकते, खुल के तनकीद नहीं कर सकते, इसलिए वो लोग फिर ये एथिस्ट या आप लोगों का इधर उधर से वो थोड़ा सा सहारा ढूंढते हैं, और फिर वो आके अपना वो एक फ्रस्ट्रेशन जो उनके अंदर एक वो टूट फूट के गुस्सा होता है, वो फिर अपने तौर पे वो निकालते हैं, वो डिफरेंट किस्म की हदीसें और डिफरेंट किस्म की चीजें आपसे मंसूब कर देंगे या किसी और से मंसूब कर देंगे। ये आपने बहुत अच्छी बात की है कि इसको क्लियर कर दिया। और एक दूसरी बात मैं ये करना चाहूँगा, कुछ जी जी मैं कह रही थी कि ये मुझे एक बहुत अजीब बात लगी कि मुझे ये हदीस sunna.com पे नहीं मिल रही थी, ये sunna2.com पे। ऐसी कोई ऐसी ये रिवायात में आ सकती है, ये हदीस नहीं। मैं भी सारी मदारिस में मेरा वक्त सारा गुजरा है और सारा दिन उन्हीं लोगों के साथ ही मेरा बैठना उठना, ऐसी कोई हदीस नहीं है, कोई कहीं से कोई कह लो तारीखी हवाला कह सकते हैं, ऐसी सियासत में कोई चीज नहीं मिलती। और चीजें इस किस्म की मिल सकती है जिन पे आप बहस कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं है। देखें जो चीज सच सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। हमें कभी नहीं है कि अपनी तरफ से कोई चीज घड़ के उनकी तरफ मंसूब कर देनी चाहिए, चाहे वो बाइबल में हो, चाहे वो हिंदुइज्म में हो, चाहे वो इस्लाम में हो। हमारा जो टॉपिक है हमें उसी पे फोकस करना है। और दूसरी ये था कि वो एक भाई आए थे, कोई चीज नई घड़ने की जरूरत नहीं है, वैसे ही इतनी चीजें हैं यार। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, आज तो वैसे ही एक वो बन गया, जैसे अभी कुछ देर पहले आपसे वो भाई साहब एक सवाल कर रहे थे कि बच्चों को एजुकेट कैसे किया जाए, तो हमारे दौर में तो ये था कि कोई किताब भी नहीं मिलती थी ना। मुझे तो सबसे पहले जाके ये बात सऊदी अरब में पता चली थी कि खराबियों की कोई नमाज ही नहीं है या इस किस्म की चीजें, या इस्लाम में कोई पर्दा नहीं है, जब मैं पहली दफा वहां पे गया। हमें तो पाकिस्तान में ऐसी कोई चीज अलाउड ही नहीं थी उन कंट्रियों में। तो अभी तो इंटरनेट का जमाना है, आप एक क्लिक करेंगे तो आपके सामने 10 अभी इंटरनेट से भी आगे आई वो कह रहे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसको कहते हैं, कि वो इंटेलिजेंस वो अभी एक मिनट में पूरे इंटरनेट पे जो कुछ है वो एक सेकंड में आपके सामने ला के रख देगी, कहाँ पे इसका क्या इलम मौजूद है, इसके ऊपर कौन सी डिबेट हो चुकी है, कितनी बुक्स हैं, वो एक सेकंड में आप एक क्लिक करें सब कुछ ला के रख देगी। और एक वो था कि वो कह रहे थे कुरान में आता है कि ये पीछे से वो निकलता है पानी, वो यखरुजु मिन बैन सुल्म व तराइब के लफ्ज है वहां पे, कि वो दो उसमें से निकलता है। यखरुजु मिन बैन, पहले उसको कहा कि खलकल इंसान मिन माइन महीन, यानी उछलते हुए पानी, और फिर उसको कहा कि यखरुजु मिन बैन सुल्म व तराइब, यानी वो दो जैसे वो रीढ़ की हड्डी है ना पीछे, वो बैन सुल्म यानी सुल्म पीछे के हिस्से से वो निकलता है, वो ये लफ्ज है। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं, पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।